क्या सोचते हो, क्या रजत दलाल ने जिसको भी उसके बीबी की धमकी दी ये सब कुछ किया, सही है या फिर गलत है। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आ चुका हूँ फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ, एंड एक दिन बीच में गैप कर दिया हूँ उसके लिए दिल से सॉरी, मतलब बहुत भयंकर प्रॉब्लम आ गई है। अभी काम अच्छा चल रहा है, चीजें अच्छी आ रही थी, मैं सोचा यार वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ सब कुछ साइड में रख के। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अगर आप लोग इंस्टा वगैरह में कनेक्टेड हो तो आप देख लोगे। और ये देखो एक और प्रॉब्लम, गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया, तो थोड़ा तेज़ चलते हैं। तो भाई लोग बात ये है कि एक और न्यू लफड़ा स्टार्ट हो चुका है, रजत दलाल अपने राजवीर भाई, अभी तक हमारे रजत भाई सभी लोग को चमकाते वगैरह थे, सबको कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। आज उनको किसी ने कुछ बोला है, उनके घर पे कोई गया है, उनको धमकाने गया है, उनके एरिया में गया है, और रजत भाई निकल नहीं रहे हैं, और जो गया है वो हमारे राजवीर भाई है, उनके घर पे गए, धमकी दे रहे हैं। मतलब घर से ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर दूरी है, फिर भी हमारे डोन, हमारे शेर, हमारे रजत भाई, उनका नाम भी कुछ पता नहीं चल रहा है। यार आज पेट्रोल वगैरह गया यार, थोड़ा चौक लेके करते हैं। भाई साहब कैसे कैसे दिन आ गए यार कि इसका पेट्रोल खत्म हुआ, सोचा पेट्रोल अब ढंगा के लेके जाऊं भरवा के लाऊं, तभी हमारे चप्पल की बद्दी टूट गई। साला दिन भी अच्छे पनौती चल रहे हैं। चलो अब फटाफट चलते हैं, पेट्रोल भराते हैं। कैसे हो आप? 220 का कर दीजिए। पावर नहीं, नॉर्मल किधर से करना है? पावर ही डाल दो। लोग फाइनली हमें पेट्रोल मिल चुका है, एंड भाई काफी परेशान होने के बाद पेट्रोल मिला, बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये सब पेट्रोल की हसल में मैं भूल गया कि मेरे को किस टॉपिक पे बात करना था, बट ठीक है फिर भी अपने को स्टार्ट करते हैं। और अभी आपने बहुत बार सोशल मीडिया में देखा होगा कि रजत दलाल कभी इसको उल्टा बोल रहा, कभी उसको उल्टा बोल रहा, कभी इसको मारने की धमकी, कभी उसको मारने की धमकी, इससे सॉरी बुला रहा, उससे सॉरी बुला रहा, मतलब यही चल रहा है। अब अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखोगे रजत दलाल, रजत दलाल, रजत दलाल, बट अभी क्या हुआ, रजत दलाल ने राजवीर को पोक कर दिया, राजवीर ने उठाई अपनी मंडली, पहुंच गया रजत दलाल की इधर। पहले तो नोएडा में ही बुलाया तो रजत दलाल उधर नहीं आया, इसके बाद उसके इधर पहुंच गया फरीदाबाद, अब देखो वहां पे रजत दलाल आता है नहीं आता, अभी तो उनको घर में बुला रहा, बट वो लोग देखते हैं घर जाते हैं या जिम के पास ही मिलते हैं। मतलब आप लोग कुल मिला के ये समझ लो कि सोशल मीडिया का इतना गंदा गेम हो चुका है कि लोग भागना फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए अब मारपीट पे उतर आए हैं। और लिटरली भाई रजत दलाल ना इसमें बहुत गंदा खेल खेल रहा है यार, हर किसी की कॉन्ट्रोवर्सी में कूदना, हर किसी से बकचोदी करना, रजत दलाल का यही काम हो गया है और यही पैटर्न हो गया है। मतलब देखो यार आप लोग के हाथ में रहता है कि अगर कोई ऐसा आदमी कर रहा है, आप लोग ने उसे सब्सक्राइब किया है, उसे फॉलो किया है, तो भाई ये अनफॉलो करने का टाइम आ चुका है। कि अगर कोई सोशल मीडिया पे गंद फैला रहा है और ऐसे फालतू हरकत कर रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को यहाँ से साफ करना चाहिए। मेन बात यह है कि ये लोग सोशल मीडिया पे 200-400 के सब्सक्राइबर लेके, मतलब 2-4 लाख सब्सक्राइबर लेके उड़ने लगते हैं, किसी को भी फालतू बोलने लगते हैं, किसी को मारने की धमकी देने लगते हैं। और रजत दलाल के साथ भी यही था भाई कि जब तक वो ऐसे नॉर्मल बंदों से कर रहा था, नॉर्मल बंदों को चमका रहा था, तब तक ठीक था, लेकिन जब उसके लेवल का बंदा है, अभी राजवीर आया, उसकी आवाज नहीं निकल रही भाई। राजवीर ने सुबह से लेकर शाम तक स्टोरी डाल दी, और वो बंदा है अभी रैंडम सेना के पीछे पड़ा हुआ, रैंडम सेना तूने ये कर दिया, रैंडम सेना तूने वो कर दिया। अरे भाई मेन मुद्दों पे आओ ना, जो बंदा आपको चमका रहा, बुला रहा, उससे तो आप बातें नहीं कर रहे हो। तो ये सब भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप लोग बताओ इस कंट्रोवर्सी पे क्या व्यू रखते हो? और आपने देखा ही है जिसको आप लोग शेर समझते थे उसकी आवाज नहीं निकल रही आज, देख लो। यही होता है भाई कि कमजोरों के ऊपर सब आवाज उठा लेते हैं, लेकिन जब कोई उनके जैसा कोई मिल जाता है ना, तब लोगों की आवाजें बंद हो जाती है, लोग बोलना बंद कर देते हैं, आवाज ऑलरेडी निकलना बंद हो जाती है। और यही देखने को मिला रजत के मैटर पे। अभी तक रजत ने बहुत चमकाया लोगों को, हर किसी को सिंगा भी बिचारा, कहाँ से कहाँ रहने गया था उसको, वहां जाके, समझ रहे हो ना, ये सब चीज करना, जलील करना भाई बहुत गलत है। तुम ये हमेशा आदमी को ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम सोशल मीडिया में आके शेर बन रहे हो, तुम बहुत बड़े दबंग हो, तो तुमसे भी बड़ा कोई है, तुम्हारा वेट कर रहा है। अगर तुमने अगर गलती से उसको उंगली कर दिया, तो जैसे तुम दूसरे को कर रहे हो वैसे तुम्हारे साथ होने लगेगा,
और मुझे ये भी नहीं मालूम यार, रजत दलाल के तो 30-40 बंदे थे, कहाँ गए, उनका कुछ मालूम नहीं चल रहा, उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि भाई ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं, कब निकल के आएंगे। कोई एक बंदा नहीं बोल रहा भाई, किसी एक बंदे की आवाज तक नहीं आ रही कि भाई रजत भाई के सपोर्ट में है, ये है वो है। रजत का कोई बंदा मालूम नहीं चल रहा कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। शांति से रहो, सबको रहने दो, तुम भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, किसी के माँ बहन पे बात मत लाओ। रजत दलाल की देखो यार, मैं अभी तक इतना अगेंस्ट नहीं था, मेरे को कोई यार दिक्कत नहीं थी, बट यार वो किसी की फैमिली को ला रहा है, किसी की बीबी को तिल बता रहा है, तो भाई दूसरे लोग भी उसकी बीबी को तिल बता सकते हैं, शादी हुई होगी नहीं हुई होगी तो जो है उसके बता सकते हैं। तो यही दिक्कत रहती है भाई कि किसी के बुरा मत चाहो यार। तुम देखो, तुमसे कोई उल्टा बोले तुम छोड़ो मत, लेकिन किसी को उल्टा मतलब तुम किसी की फैमिली में मत जाओ। तुमको कोई गलत बोल रहा तुम उसको गलत बोलो, जैसे रजत ने बोला कि भाई मेरे सरनेम पे मत जाओ, मेरे कम्युनिटी को गलत मत बोलो, मेरे को बोलो। तो वैसे ही यार किसी को फैमिली मत लाओ बीच में, मर्द हो मर्द जैसे लड़ो, एक दूसरे को बोलो, कम्युनिटी में मत जाओ, कम्युनिटी मत लाओ, ये सबसे अच्छा चीज़ है भाई। तो चलो हम अपनी वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आप लोग बताओ यार आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और देखते हैं आज क्या होता है, क्या सीन होता है, जैसे कुछ होता है मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। आपका ओपिनियन जानना मेरा काम है, मेरा ओपिनियन आप लोग के सामने देना ये भी मेरा काम है, ताकि अपन दोनों का एक जो कनेक्शन है वो आप बना रहे, अपन एक दूसरे से जुड़े रहें। एंड बताओ भाई लोग इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, क्या रजत दलाल ने जिसको भी उसके बीबी की धमकी दी ये सब कुछ किया, सही है या फिर गलत है। और अगर गलत है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सभी लोगों के साथ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।